राजधानी पटना के गंगुआ थाना क्षेत्र स्थित कुर्सी केक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयावह रूप अख्तियार कर लिया। वहीं आपको ये बता दें कि कुर्सी की फैक्ट्री धूं धूं कर जलने लगी। मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों ने बताया कि सभी लोग काम कर रहे थे, इस दौरान जैसे ही गैस सिलेंडर में आग लगी वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। फिलहाल फैक्ट्री में काम कर रहे सारे कर्मी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। कैची का गोदाम था, कुर्सी का गोदाम है। कैसे आग लगी है? शॉर्ट सर्किट से। कितने का नुकसान हो सकता है? करोड़ का, करोड़ का। किनका है ये गोदाम? मकान मालिक का है। नहीं, गोदाम किसकी है? माल किसका बनता है? और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, कुर्सी फैक्ट्री में आग लगी है, राजधानी पटना का ये खबर बताया जा रहा है, क्या पूरी जानकारी मिल पा रही है आपको? जी हाँ राकेश जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से बीते रात को आपको पटना के अगमकुआ में एक फर्नीचर फैक्ट्री में आग लग गई थी, जिसके बाद वहां दमकल विभाग द्वारा उसे काबू में कर लिया गया। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, समय से पहले ही लोगों को उसे बाहर निकाल लिया गया था। जी उत्कर्ष, क्या खबर सामने आ पाई है? किसी के हताहत या फिर कितने का नुकसान हुआ है, या फिर फैक्ट्री के मालिक से बात हो पाई है? क्या लापरवाही हुई है जिसके वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ, और क्या कोई व्यवस्था नहीं थी जिसके वजह से आग इतना विकराल रूप ले गया वहां पे? यहाँ साफ तौर पे जिस तरीके से बीती रात को वुडन, क्योंकि वहाँ लकड़ी के ज्यादा सामान थे, क्योंकि वुडन फर्नीचर का वो शॉप था और वो फैक्ट्री भी थी जहाँ वो बनती थी, लेकिन जो मेन कारण बताया जा रहा है वो शॉर्ट सर्किट है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तारों की वजह से वहां पे आग लग गया। और क्योंकि वहां पे कम लोग थे और पता नहीं चला, और दमकल गाड़ी को आने में लेट हो गई, जिस वजह से वो जो आग था वो विकराल रूप पकड़ लिया, लेकिन समय पे रहते ही उसको काबू कर लिया गया और लोगों की हताहत होने की कोई भी खबर नहीं है वहां से। जी शुक्रिया उत्कर्ष इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए। तो पटना की यह खबर जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से फैक्ट्री में आग लगी, हालांकि कोई हताहत की सूचना नहीं मिली है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से जो आग लगी है उसकी खबर सामने आई है।